हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे ही होंगे, रोज रोज कलिनन की तरह। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इस कलिनन को सिलेरियो एक्स के साथ मिक्स कर देंगे तो क्या निकल के आएगा? तो सोचना कर दो बंद, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं यही करूंगा। तो आप लोग शुरू से एंड तक बिना स्किप करे देखना ये वीडियो, मैं बनाता हूँ ये रेंडर। सो लेट्स रेव एंड गेट स्टार्टेड। जैसे टियागो का एनर्जी वर्जन आता है, वैसे ही मारुति सिलेरियो का भी एक सिलेरियो एक्स नाम का एडिशन आता था, जिसमें कुछ एसयूवी जैसे एलिमेंट्स मिलते थे, जैसे क्लैडिंग, रूफ रेल्स और थोड़े बंपर में चेंजेस। और इसे कलिनन के साथ मिक्स करने के लिए मैंने कलिनन की ये पिक उठाई और सीधा इसके बम्पर को ब्लैक कर दिया। फिर इसकी ग्रिल बनाई, और क्योंकि आपको सुजुकी में छोटी ग्रिल मिलती है तो वही काम मैंने इसमें किया। इसकी ग्रिल को थोड़ा छोटा करके इसमें सुजुकी वाली ग्रिल लगा दी, और जो इसकी नीचे वाली ग्रिल थी वो सिलेरियो एक्स की तरह बड़ी कर दी। फिर सीधा मैंने इसकी लाइट्स पे काम शुरू कर दिया, और इसपे सुजुकी वाला साइड मिरर लगा के इसके ये स्प्रिट ऑफ इसकी ये रोल्स रॉयस वाली गुड़िया हटा दी, रोल्स रॉयस का लोगो भी हटा दिया। और फिर मैंने सोचा कि जो सिलेरियो है उसमें पूरा बम्पर आपको ब्लैक नहीं मिलता, सिर्फ इतना सा पार्ट आपको ब्लैक मिलता है, तो रोल्स रॉयस पे भी यही होना चाहिए। तो फिर मैंने चेंजेस किए, इसके बम्पर के इस पार्ट को थोड़ा छोटा किया और इसको ब्लैक करके दूसरी तरफ भी सेम प्रोसीजर फॉलो किया। और इसमें आपको सीएनजी का ऑप्शन भी मिलेगा, तो उसके लिए कैप बनाई, फिर सीएनजी का बैज लगा के मैंने इसके इंजन की बैजिंग की, जो कि K10C होगा। वीडियो बनाते टाइम मैंने K10B लिख दिया था, तो माफ करना। और K10C इसलिए क्योंकि ये वाला इंजन मॉडर्न डे सिलेरियो में आता है, जिसमें आपको 65 bhp के अराउंड पावर मिलती है और 89 nm का टॉर्क मिलता है, जो मेरे हिसाब से कलिनन के लिए बहुत ज्यादा है। ये तो बहुत ज्यादा हो गया चेरी, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। फिर इसमें फेंडर इंडिकेटर्स लगा के मैंने इसके स्टील रिम्स वाले टायर लगाए, इसके ए पिलर को ब्लैक कर दिया, और इसके टायर्स को सही से सेट करके इसका चीप वाला एंटीना लगाया। फिर मैंने सोचा कि ये जो पिक मैंने सिलेरियो की उठाई है इसमें अलग कलर है और कलिनन में अलग, तो यही कलर मैंने कलिनन को भी दे दिया। फिर रोल्स रॉयस के सस्ते डोर हैंडल्स हटा के मैंने इसमें सिलेरियो वाले महंगे डोर हैंडल्स लगाए, और इसका नाम कलिनन से कालिनान रख के मैंने ये रेंडर कंप्लीट किया। जो देखने के लिए आपको लाइक करनी होगी ये वीडियो, और मेरा व्लॉग चैनल भी देख लेना, उसका लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। फिलहाल ये रहा फाइनल रेंडर, आप लोग कमेंट्स में इसका प्राइस गेस करना। और क्योंकि अभी मेरे कॉलेज के बहुत सारे असाइनमेंट्स पेंडिंग है, तो इसलिए कम वीडियोस आ रही हैं। जैसे ही ब्रेक मिलेगा मैं कोशिश करूंगा कि एक वीक में 3 या 4 वीडियो लाने की। तो मेरी शॉर्ट्स के साथ साथ मेरी लॉन्ग वीडियोस को भी सपोर्ट करते रहना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में सफारी स्ट्रॉम और रेंज रोवर स्पोर्ट के मिक्सचर के साथ। तब तक के लिए कीप रेविंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।